नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स की खबरें मैं अभी लेकर आता हूं। अभी सबसे ज़्यादा जो खबरें चल रही है मुकेश सहनी को लेकर खबरें यह है कि मुकेश सहनी ने खुलेआम कह दिया है कि जो भी पर्दे के पीछे खेल रचा जा रहा है अब वह सामने आए वरना मैं आग लगा दूंगा। उन तमाम लोगों को वह कह रहे थे, चाहे वह बनारस के एयरपोर्ट पर जिस तरह से उनको रोका गया, उसके बाद से ही मुकेश सहनी खूब चर्चाओं में हैं और चर्चाओं में यहाँ तक इतने हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद मुकेश सहनी ने साफ कहा और मुकेश सहनी को बीजेपी के नेता ने कहा। उससे पहले मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह चुके थे कि हम सरकार को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, यह बिहार की सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। मगर योगी आदित्यनाथ पर वो जो हमलावर हो रहे थे, उसके बाद बीजेपी के लगातार कई नेताओं ने जिस प्रकार से मुकेश सहनी को घेरा, तब मुकेश सहनी को भी यह समझ में आया कि हमने कुछ गलती कर दी है। उसके बाद फिर जिस प्रकार से मुकेश सहनी का जो आज तेवर आया, तो उसके बाद समझ में आया कि मुकेश सहनी दबाव में नहीं है, वह भी पूरे रौब में है, क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार में सरकार हमारे सहमति से या हमारे समर्थन के बिना नहीं चल सकती है, क्योंकि उसके बाद जीतन राम मांझी के 4 सीटें बचेगी और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात लगातार हो रही है। अब बात आ रही है कि मुकेश सहनी किन को कह रहे थे कि मैं आग लगा दूंगा, पर्दे के पीछे से खेल खेलने वालों को, तो वो उन्हीं के विधायक, उसके बाद राजकुमार सिंह के बारे में कह रहे थे या फिर जो अपने 3 विधायक और हैं उनके बारे में कह रहे थे, क्योंकि एनडीए की बैठक में इनके विधायक की जाने की खबर आई, उसके बाद से ही मुकेश सहनी नाराज़ चल रहे थे, क्योंकि मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक को वॉकआउट कर चुके थे। मगर उसके बाद बीजेपी के नेता प्रवक्ता लगातार जिस प्रकार से मुकेश सहनी पर हमलावर हुए, तो यह चर्चा खूब तेज़ हो गई। अब एक खबरें और है, आज के बिहार विधानसभा में कई ऐसी बातें हुई, विपक्ष तो पहले ही वॉकआउट कर चुकी थी बिहार विधानसभा को, तो उसके बाद फिर जो बातें आई कि विपक्ष गई भी विधानसभा में, बैठी भी, मगर ज़्यादातर समय वो वॉकआउट करने की बात करती रही। विधानसभा के बाहर आकर विपक्ष ने अपनी बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलग अलग और भी बातें हुई, सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम कोशिशें हुई, सत्ता पक्ष भी यह अड़ी रही अपनी बात को लेकर। वहीं तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते रहे कि हमारी सरकार भी आएगी तो क्या विधायक को पिटवा देंगे, ऐसी कई बातें कर रहे हैं, वह तमाम बातें नीतीश कुमार पर भी कर रहे हैं। अब बात आ रही है जनता दल यू की, जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। नाम चल रहा है ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, राजीव रंजन प्रसाद सिंह। तो अब राजीव रंजन सिंह कैबिनेट में मंत्री नहीं बने हैं ललन सिंह, उसके बाद से ही यह खबरें तेज हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहेंगे, क्या आरसीपी सिंह दोनों पद संभालेंगे या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर नीतीश कुमार। तो फिर ललन सिंह का नाम अभी चल रहा है कि ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय नए अध्यक्ष हो सकते हैं, मगर ये बातें अभी पुख्ता तौर और पूरी तरह से जदयू की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है, उड़ती खबर है, सूत्रों के हवाले से ये बातें आई है, मगर कई बातें हैं जिससे कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बातें पुख्ता होती है, क्योंकि वह नीतीश कुमार के साथ जिस प्रकार से काफ़ी वर्षों से हैं, तो वह एक बातें उनके साथ प्लस पॉइंट है। एक बातें और चलती थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं क्या, हालिया जैसा उपेंद्र कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा और प्रदर्शन रहा है, तो उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा को कह सकते हैं, सीनियरिटी के कारण ललन सिंह को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया, इसके बाद से ही कहा जाता है कि ललन सिंह कभी नाराज चल रहे हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिस प्रकार से मिलने वाली तस्वीर वायरल हुई, तो उसके बाद से ही जनता दल यू और तमाम दलों में ये बातें चल रही है कि ललन सिंह को नीतीश कुमार ने हटाया है, आरसीपी सिंह ने हटाया है, इन दोनों का नाम चल रहा है। आरसीपी सिंह कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं मोदी सरकार में, मगर ललन सिंह चूक गए हैं। वहीं चिराग पासवान को लेकर खबरें यह है कि वो आशीर्वाद यात्रा लगातार जारी रखेंगे। वैसे बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में और भी बातें हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी का तबीयत खराब हुआ था, तो ओसामा नूर से मिलते हुए तमाम नेता नज़र आए, चाहे वह लोक जनशक्ति पार्टी के हों या फिर आरजेडी के हों या फिर और भी छोटे बड़े दल के हों। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे और बिहार के तमाम हम राजनीतिक गर्मा गर्मी और सियासत की तमाम तामझाम की खबरें हम सुनाते रहेंगे। फिलहाल कई बातें हमने सुनाई बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में, अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप झकास भारत चैनल को यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे होंगे तो उसे लाइक कीजिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा ताकि वहाँ भी खबरें जाते रहे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, झकास भारत से मैं रविकांत।